निजी संस्थानों के लोगों को लेटरल नियुक्ति दी जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष के निशाने पर सरकार काफी दिनों से, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि इससे देश की प्रतिभा प्रभावित हो रही है, साथ ही अधिकारियों की योग्यता पर भी सवाल उठ रहा है। लेकिन अब बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडे ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के जरिए जो लोग नियुक्त किए गए हैं उनमें से कई अधिकारी डकैत हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक मुर्गी चोर को तो दंडित किया जा सकता है, लेकिन इन अधिकारियों को नहीं। उनका कहना था कि खनिज माफिया चलाने वाले अधिकारियों को छुआ तक नहीं जा सकता, क्योंकि सिस्टम उनकी रक्षा करता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब लेटरल नियुक्ति को लेकर तमाम विवाद छिड़े हुए हैं। साथ ही भी कहा जा रहा है कि अगर कोई बात हुई, विपक्ष इस बात का भी निशाना साध रहा है कि अगर कोई बात हुई, कोई घोटाला हुआ, तो उसके बाद सरकार किसको पकड़ेगी। और इसी बीच केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री टुडो ने शनिवार को बालेश्वर जिले के बलियापाल में एक सरकारी स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में, जहां वो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे, उस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की। उनकी इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और जिसमें वो विवादित बयान देते हुए सुने जा सकते हैं। हालांकि इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन विवाद जरूर खड़ा हो गया है। दरअसल टुडो ने कहा है कि मुझे लगता है कि जिन्होंने UPSC के माध्यम से नियुक्ति किया गया है या उन्होंने योग्यता से अपनी परीक्षा पास की है, वे सबसे अधिक जानकार व्यक्ति होते हैं और हमेशा उच्च पदों पर आसीन होते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो लोग वहां से क्वालिफाई हुए हैं उनमें से ज़्यादातर डकैत हैं। मैं 100% अधिकारियों के बारे में ऐसा नहीं कहता, लेकिन उनमें से कई जरूर डकैत हैं। आपको बता दें, UPSC देश का प्रमुख केंद्रीय भर्ती आयोग है, जो एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करता है और शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति होती है। ओडिशा के सांसद टुडो ने अपने भाषण में यह भी कहा कि UPSC कार्यालय दिल्ली में है, उनके निवास के ठीक पीछे, और शुरू में वो इसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल बदल गया है। टुडो ने अपने भाषण के दौरान ये भी पूछा कि अगर ऐसे शिक्षित लोग हैं तो हमारा समाज भ्रष्टाचार और अन्याय में क्यों डूबा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा, ये हमारी शिक्षा प्रणाली में नैतिकता की कमी के कारण है, हमारे बीच आध्यात्मिक शिक्षा और विचारों का अभाव है। गौरतलब है कि UPSC देश का प्रमुख केंद्रीय भर्ती आयोग है, जो एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करता है और इसी का एग्जाम पास करने के बाद बड़े बड़े अधिकारी अहम पदों पर नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन UPSC पास अधिकारियों से अलग केंद्र सरकार ने लेटरल नियुक्तियों पर भी फोकस किया है, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ लोगों को अहम विभागों में नियुक्ति दी जा रही है। इससे पहले भी आपको बता दें कि टुडो पर एक सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट करने के आरोप लग चुके हैं। अधिकारी ने आरोप लगाया था कि समीक्षा बैठक के दौरान उस पर हमला किया गया था और उसका हाथ तोड़ दिया गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडो उड़ीसा के मयूरभंज जिले से BJP के सांसद और मोदी सरकार में अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि उनका पद राज्य मंत्री का है, लेकिन उनके इस बयान के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। साथ ही कहा जा रहा है कि प्रदेश के तमाम अधिकारियों ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की है, साथ ही इसकी निंदा भी की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।